जेवर एयरपोर्ट कहां से कहां तक, किस सड़क मार्ग से किस सड़क मार्ग तक, किस गांव से किस गांव के बीच में बन रहा है, क्या उसकी वर्तमान लोकेशन है, आइए देखें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीनी पड़ताल। जेवर एयरपोर्ट कहां बन रहा है, किन सड़क मार्गों और किन गांव के पास बन रहा है, हम पहले आपको हैंडमेड नक्शे के द्वारा समझाना चाह रहे हैं। आगे हम आपको प्राधिकरण का नक्शा भी दिखाएंगे, लेकिन पहले आप ये मौके पर मोटा मोटा जो नक्शा है जेवर एयरपोर्ट का उसे आप समझ सकते हैं। ये जेवर चौराहा है, जेवर चौराहा से एक सड़क मार्ग अलीगढ़ को जाता है वाया टप्पल होते हुए, एक सड़क मार्ग जेवर खुर्जा की ओर जाता है जहांगीरपुर कस्बे से, और एक सड़क मार्ग जेवर से सिकंदराबाद की ओर जाता है झाझर होते हुए, वो आगे सिकंदराबाद निकलता है, वही झाझर से आगे बुलंदशहर निकल जाता है। पर एक सड़क मार्ग जेवर कस्बे से कोई 600 मीटर आगे से ही ये सड़क मार्ग है रबूपुरा को जा रहा है ये सड़क मार्ग। अब इस जेवर कस्बे से 1 किलोमीटर आगे ये यमुना एक्सप्रेसवे इन तीनों सड़क मार्गों को क्रॉस करता है, जेवर खुर्जा, जेवर सिकंदराबाद और जेवर रबूपुरा को। अब यमुना एक्सप्रेसवे से 1.5 किलोमीटर आगे ही जेवर रजवाहा है जो जेवर सड़क मार्ग को, सिकंदराबाद सड़क मार्ग को और खुर्जा सड़क मार्ग, तीनों इन सड़क मार्गों को क्रॉस करता है। जेवर से सिकंदराबाद सड़क मार्ग पर, जेवर से खुर्जा सड़क मार्ग और जेवर से रबूपुरा सड़क मार्ग के बीच में ये जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़मीन है। आप देख रहे होंगे कुछ कुछ एल साइज की ज़मीन आ रही है, ये ज़मीन एल साइज की ज़मीन आ रही है। इस एल साइज की जो ज़मीन आ रही है इसकी जो लंबाई है लगभग 17 किलोमीटर है, 17 किलोमीटर लंबाई है इसकी, पूर्व से पश्चिम लगाएंगे इसकी लंबाई, और इसकी चौड़ाई जो है वो कहीं 2.5 किलोमीटर तो कहीं 3 किलोमीटर है। कुल मिला के इसका जो जेवर एयरपोर्ट के लिए ज़मीन अधिकृत की गई है वो 1334 हेक्टेयर ज़मीन है पहले चरण के लिए, और ये इस टोटल जो ज़मीन है इसकी जो बाउंड्री हो रही है फेंसिंग के द्वारा, ये लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो 33 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। अब हम बात करते हैं कि जेवर एयरपोर्ट कहां से कहां तक बन रहा है। ये खुर्जा सड़क मार्ग जो है जेवर खुर्जा उससे थोड़ा सा पीछे है, और ये जो रबूपुरा सड़क मार्ग है इस तक ये सीमा इसकी लगी हुई है, यहाँ ज्ञानतपुर के पास एक पीली सिंचाई विभाग की कोठी है, इस कोठी को टच करता हुआ जेवर रजवाहे को टच करता हुआ ये एयरपोर्ट यहाँ से बना हुआ है, और ये जेवर सिकंदराबाद सड़क मार्ग है ये पूरा इस एयरपोर्ट की भूमि के बीच में आ रहा है। ये सड़क मार्ग को यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, और कुल मिला के ये कहें तो जेवर खुर्जा सड़क मार्ग और जेवर रघुपुरा सड़क मार्ग के बीच में ये एयरपोर्ट की ज़मीन है, एल साइज में आपको दिख रही होगी। अब हम आपको ये बताते हैं कि जेवर जो एयरपोर्ट की जो प्रस्तावित भूमि है वो किस जो लोकल आसपास के कस्बे हैं वहाँ से कितनी दूरी पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेवर की ही बात करते हैं, जेवर कस्बे से इसकी दूरी 5.5 किलोमीटर है, ये अनुमानित दूरी है, और यमुना एक्सप्रेसवे से 4.5 किलोमीटर है, खुर्जा शहर जो है वो उससे 25 किलोमीटर है, जहांगीरपुर से 10 किलोमीटर है, झाझर से 10 किलोमीटर है, रघुपुरा से 6 किलोमीटर है, और पलवल से 34.5 किलोमीटर है, और परीचौक से इसकी दूरी जो जेवर एयरपोर्ट है प्रस्तावित ज़मीन है इसकी ये 36 किलोमीटर है। एक बात और आप बता दें हम आपको कि जेवर एयरपोर्ट की जो पूरब की दिशा है ये यमुना एक्सप्रेसवे जो आप देख रहे हैं, इस यमुना एक्सप्रेसवे से एक लिंक रोड यहाँ को प्रस्तावित है यमुना विकास प्राधिकरण का, ये लगभग 700 मीटर का एक रोड प्रस्तावित है, ये सीधे यमुना एक्सप्रेसवे से जेवर एयरपोर्ट के इस पहले टर्मिनल को जाएगा। हालांकि अभी यह सड़क मार्ग प्रस्तावित है, जो लोग जेवर एयरपोर्ट को पहुँचेंगे उन्हें जेवर कस्बे को जाने की जरूरत नहीं होगी, यमुना एक्सप्रेसवे से सीधे परीचौक से आप चलेंगे और 34वें किलोमीटर तक यहाँ इस जेवर एयरपोर्ट के पूर्व दिशा के जो टर्मिनल है उसमें आप पहुँच सकते हैं। संभावना इस बात की है कि इसके जेवर एयरपोर्ट के कई टर्मिनल होंगे, 4 से 5, 6 टर्मिनल हो सकते हैं, इधर झाझर की ओर से सिकंदराबाद या बुलंदशहर की ओर से आने वाले लोगों के लिए भी यहाँ एक टर्मिनल बनेगा, उधर खुर्जा की ओर से अलीगढ़ की ओर से आने वाले लोगों के लिए भी यहाँ एक टर्मिनल बनेगा, और एक टर्मिनल यहाँ बनेगा इसका जो यमुना एक्सप्रेसवे से इंटर करेंगे। तो ये जेवर एयरपोर्ट की प्रस्तावित भूमि का एक मोटा नक्शा है। ये आसपास के बड़े शहर हैं जिनसे जेवर एयरपोर्ट की दूरी यहाँ दिखाई जा रही है, हरिद्वार से 211 है, मेरठ से 96, अमरोहा से 124,
गाजियाबाद से 61, नोएडा से 55, मुरादाबाद से 143, बुलंदशहर से 43, अलीगढ़ से 84, मथुरा से 70, फिरोजाबाद से 137 और आगरा से 114 किलोमीटर है जेवर कस्बे की दूरी। और जेवर कस्बे से 5.5 किलोमीटर पर प्रस्तावित जेवर एयरपोर्ट की ज़मीन है जहां एयरपोर्ट बन रहा है। अब आप देखें जेवर एयरपोर्ट के आसपास जो गांव आ रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट की सीमा से जो बाहर गांव है वो दयानतपुर है, रनेरा है, बनवारीवास है, रामनेर है, मुकीमपुर सिवारा है, साबोता जाफराबाद है और खाजपुर गांव, ये एयरपोर्ट की सीमा के बाहर के गांव हैं। जेवर एयरपोर्ट की सीमा के अंदर दयानतपुर खेड़ा, रोही पारोही, किशोरपुर का कुछ भाग, नगला शरीफ का, नगला छीथरखा और नगला गणेशी, ये गांव जेवर एयरपोर्ट की सीमा के अंदर आ रहे हैं। इन्हीं गांव का पुनर्वास होना है। अब आगे हम जेवर एयरपोर्ट का प्राधिकरण द्वारा जो नक्शा है वो आपको दिखा रहे हैं। ये हरे घेरे में जो जेवर एयरपोर्ट की ज़मीन आ रही है आप देख सकते हैं इस नक्शे को, ये भी एल साइज़ की ज़मीन है और यह भी जो एयरपोर्ट आपको दिख रहा है ये जेवर एयरपोर्ट की ज़मीन है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरह से ग्रीन फील्ड प्रदूषण मुक्त एयरपोर्ट होगा, यह डिजिटल होगा, हाई टेक्नोलॉजी वाला होगा। ज्यूरिख कंपनी इसको बेहतर बनाएगी, एक मॉडल के रूप में इसे बनाएगी। यमुना विकास प्राधिकरण और जेवर एयरपोर्ट की हम अपडेट आपको दिखाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहें, लगातार खबरें देखते रहें। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल सब्सक्राइब कर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यमुना विकास प्राधिकरण की विश्वसनीय, सटीक और तथ्यात्मक खबरें देखने के लिए जुड़े रहें।